सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मोबाइल चार्जर कैसे काम करता है, कि मोबाइल चार्जर के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है वगैरह। जैसे यहाँ पर मैंने कई सारे मोबाइल चार्जर के सर्किट निकाल के रखे हुए हैं। इनकी सबकी वर्किंग लगभग एक जैसी होती है, बस इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बस उनमें ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सबका एक ही होता है। ये सारे SMPS की तरह ही वर्क करते हैं, यानी इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक SMPS की वर्किंग के जैसे ही है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होती है, क्यों इनका ऐसा नाम पड़ा है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैं ये सर्किट एक ले लेता हूँ कि फिर उस पर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं आपको। ये चार्जर का सर्किट है जिसमें हमारा इनपुट, ये जैसे इनपुट है, इनपुट मतलब 220 वोल्ट। अब ये कौन सा 220 वोल्ट वाला टर्मिनल है, वो ये वाला है, यानी कि जहाँ पे हम एसी सॉकेट में डाला करते हैं इनपुट में, वो वाली पिंस ये हो जाती हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह से कनेक्शन रहते हैं अंदर, ठीक है। अब ये एसी गई, फिर एसी यहाँ से रेक्टिफाई होती है डायरेक्टली सीधे बिना किसी ट्रांसफार्मर में गए, ठीक है। यानी कि हाई वोल्टेज की एसी है सीधी हाई वोल्टेज की डीसी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर कई बार ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ होता है या फिर कई बार हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जैसे यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है। तो ये एक सीधा एक डायोड लगा रखा है और इससे ये हो गई पल्सेटिंग डीसी में, एसी है जो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एक कैपेसिटर में आके स्टोर हो जाएगी। और इस कैपेसिटर की रेटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एसी 220 वोल्ट आरएमएस है, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है वो 314 या उसके आसपास होती है, यानी इतने वोल्ट होती हैं। और ये आप सोचोगे ये डायोड बर्न नहीं हो जाएगा इतने हाई वोल्टेज से डायरेक्ट उसको रेक्टिफाई करेगा, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब इसकी डेटा शीट देखोगे आप डायोड की, नॉर्मल जनरल पीएन जंक्शन डायोड की, तो उसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू लगभग 600 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक होती है, यानी कि उतना हैंडल कर सकता है। तो 300 और 350 वोल्ट तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको रेक्टिफाई कर देगा फिर ये आगे कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। और कैपेसिटर की रेटिंग भी लगभग 400 वोल्ट या उससे ऊपर की होती है, और ये थोड़ी इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 400 वोल्ट की कैपेसिटी, 400 वोल्ट इसकी और वोल्टेज रेटिंग दे रखी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 4.7 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो यहाँ पर एक डीसी हाई वोल्टेज की डीसी थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाती है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स के लिए। फिर यहाँ पर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये डीसी फिर आगे इसको स्विच किया जाता है इस ट्रांसफार्मर, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। अब इसकी इसको स्विच करने की वजह यही है कि ट्रांस जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करेंगे, तो उससे उसके लिए हमें जो स्टेप डाउन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर चाहिए होगा उसकी साइज़ भी बहुत कम चाहिए होती है। इस वजह से हमें थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी का SMPS टाइप की स्विचिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं मोबाइल चार्जर्स में, ताकि उसकी मोबाइल चार्जर की साइज़ छोटी रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर छोटा होगा तो अल्टीमेटली मोबाइल चार्जर की साइज़ भी छोटी होगी, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें, तो ये जो डीसी है इसमें स्विच होगी, इसके प्राइमरी कोयल में स्विच होगी। स्विच किस तरह से होगी, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू होगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर के आउटपुट साइड में ये कोयल कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर की स्विचिंग होगी कैसे, ये आर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये एक कैपेसिटेंस लगा रखा है, तो ये एक RC ट्रिगरिंग सर्किट बनाएगा। तो ये RC सर्किट मिलके इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये RC सर्किट जो है ये इसकी बेस ट्रांजिस्टर के बेस को ट्रिगर करता जाएगा बहुत फास्ट स्पीड से हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर दे, वो स्विच होगा ट्रांजिस्टर ये RC की ट्रिगरिंग सर्किट से, बार बार ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा। तो उससे क्या एक स्क्वायर वेव पल्से हाई वोल्टेज की पल्सेटिंग DC टाइप की स्क्वायर वेव जनरेट होगी इसके प्राइमरी कोयल पे,
ठीक है। फिर इसके प्राइमरी कॉइल में जनरेट होने की वजह से इसके आउटपुट साइड में स्टेप डाउन होगा, यानी कि ये वोल्टेज स्टेप डाउन होगा और बहुत कम वोल्टेज की सेम स्क्वायर वेव टाइप की पल्सेटिंग डीसी जनरेट होगी। अब उस पल्सेटिंग डीसी में थोड़ा सा ये नेगेटिव पार्ट में भी चला जाता है, तो उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक डायोड यूज करते हैं, ठीक है। और ये डायोड हाई फ्रिक्वेंसी का कोई शॉर्ट की डायोड भी हो सकता है या पीएन जंक्शन नॉर्मल का डायोड। वैसे नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड तो नहीं होगा क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी का कोई डायोड होगा, ठीक है, जो इस हाई फ्रिक्वेंसी पल्सेटिंग डीसी को रेक्टिफाई कर सकता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये कैपेसिटर लगा रखा है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली कम वोल्टेज ही जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे, ठीक है। ये 6.3 इसकी वोल्टेज रेटिंग है और 1000 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि हाई जितनी कैपेसिटर की ये अपने कैपेसिटेंस होगी उससे क्या होगा कि आउटपुट साइड में ये इंस्टेंटली मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हाई एम्पेयर का सर्किट मिली एम्पेयर का सर्किट हो जाएगा, हाई मिली एम्पेयर का। और हाँ, ये जैसे ही आउटपुट पे सेकेंडरी से जब आउटपुट आएगा तो उससे क्या होगा, ये एक जिनर डायोड भी इसके कैपेसिटर के पैरेलल में ऐड होगा। ये क्या है, उस वोल्टेज को पल्सेट ज़्यादा होने नहीं देता, यानी उसमें अगर कोई भी रिपल्स मौजूद है तो रिपल्स हटा लेगा ये जिनर डायोड। ये जिनर डायोड उतने वोल्टेज का होता है जितने वोल्टेज का हमें आउटपुट चाहिए होता है, तो यहाँ पर लगभग ये 5 वोल्ट का होगा क्योंकि हमारा आउटपुट जनरली चार्जर का 5 वोल्ट होता है। और इससे क्या होता है कि इसके पैरेलल में एक एलईडी रेजिस्टेंस लगा के फिर एक एलईडी लगा रखी होती है जो क्या करती है, इंडिकेट करती रहती है कि आउटपुट हमारा जनरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। ये एलईडी फिर ग्लो होती रहेगी उस टाइम तक जब तक यहाँ पर आउटपुट आता रहेगा, यानी कि चार्जर में कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि आउटपुट जनरेट हो रहा है तब तक, ठीक है, ये इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पर एक यूएसबी सॉकेट लगा रहता है, यूएसबी सॉकेट जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है, इस टाइप का एक यूएसबी सॉकेट यहाँ पर लगा रखा था जो कि मैंने अभी निकाल लिया है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे दे रखा होता है यूएसबी सॉकेट यूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आइसोलेट भी होता है, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन भी दे रखा होता है, जैसे ये इसकी इनपुट साइड है हाई वोल्टेज की और ये इसके लो वोल्टेज की आउटपुट साइड है, और जो कि दोनों से सेपरेट है। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। आप कहोगे कि यहाँ पर एक आईसी लगी रखी है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में कॉमन है, लेकिन ये भी एक तरह से आइसोलेट है क्योंकि एक तरह की ऑप्टोकॉपलर आईसी है। ये आईसी क्यों यूज हुई, ये यहाँ पर इसलिए यूज हुई कि यहाँ पर इसके आउटपुट साइड में एक एलईडी लगा रखी है और यहाँ पर इनपुट साइड में एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा रखा है, ठीक है, जिससे क्या है कि आउटपुट साइड में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक देता रहता है, ताकि वोल्टेज कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए आउटपुट साइड में ना कभी कम हो। तो ये इस आरसी ट्रिगरिंग सर्किट को एक फीडबैक देता रहता है, उससे ट्रांजिस्टर की स्विचिंग लो या हाई अल्टीमेटली होती रहती है, उससे आउटपुट हमेशा एक फिक्स वोल्टेज पे मेंटेन रहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ इससे आपको चार्जर के बारे में कुछ सीखने को मिला कैसे चार्जर काम करता है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।